हेलो प्यारे विद्यार्थियों, समा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी वर्कबुक भी है वो यानी एंडिंग की तरफ चल रही है, यानी कुछ एक वर्कशीट और बची है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को ऐसे दबाएं ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज हम बात कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 92 की। वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि अपन इसमें एक साथ तीन वर्कशीट को करेंगे। शुरुआत करते हैं कॉम्पिटेंसी आइडेंटिफाइज वर्ड्स, आपको शब्दों को पहचानना है। डिटेल्स फ्रॉम ए शॉर्ट टेक्स्ट या पैराग्राफ, यानी आपको शॉर्ट टेक्स्ट जो सेंटेंस दे रखे हैं उनके अकॉर्डिंग आपको क्या लिखना है, वन वर्ड लिखने हैं। जैसे रीड द सेंटेंस गिवन बिलो एंड राइट द आंसर इज वन वर्ड, यानी आपको एक शब्द में उत्तर देना है। जैसे आई यूज इट टू राइट ऑन नोटबुक, मैं आपको प्रयोग करता हूँ, यूज करता हूँ किसके लिए, यानी नोटबुक में लिखने के लिए, तो क्या होती है, पेंसिल। पी दे रखा है तो आपको लिखना है पेंसिल। नेक्स्ट है आई कीप माई बुक्स इन इट, यानी आप मेरी जो बुक किताबें हैं उनको अपने अंदर रखते हो, तो क्या किस में रखते हैं अपन, बैग में रखते हैं, तो बी एजी बैग। नेक्स्ट है प्लेस वेयर यू गो वेन यू फॉल सिक, यानी उस स्थान को क्या कहा जाता है, जहां जब अपन यानी बीमार पड़ जाते हैं तो जाते हैं, तो वो होता है हॉस्पिटल, तो आपको लिखना है यहाँ पे हॉस्पिटल। द बस रन, बस रन्स ऑन, जहां बस चलती है, कहाँ चलती है, रोड पे चलती है, तो यहाँ ROAD रोड। आई यूज इट टू करेक्ट माई मिस्टेक्स, यानी जब कोई गलती हो जाती है तो उस मिस्टेक्स को करेक्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं, इरेजर का। जब पेंसिल से लिखते हैं तो इरेजर का यूज करते हैं, तो यहाँ पे लिखना है इरेजर। नेक्स्ट है वी यूज दिस फॉर कॉलिंग आवर फ्रेंड्स, हम अपने मित्र को यानी कॉल करने के लिए किसका यूज करते हैं, मोबाइल फोन का, तो यहाँ लिखना आपको मोबाइल। नेक्स्ट है ऑल ऑफ अस गो देयर टू स्टडी, यानी हम सभी पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो एस लिखा हुआ है SCSWL स्कूल, तो इस तरीके से अपने को लिखना है स्कूल। नेक्स्ट अपनी वर्कशीट नंबर 93 कॉम्पिटेंसी कैरीज आउट सिंपल इंस्ट्रक्शंस, कुछ सिंपल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। सिंग ए हैप्पी बर्थडे सॉन्ग विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, आपको हैप्पी बर्थडे सॉन्ग है उसको अपने टीचर की सहायता से क्या करना है, यानी गाना है, कैसे गाना है। जैसे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, इस तरीके से आपको क्या करना है, इसको सिंग करना है, यानी गाना है। फिर आपको यहाँ पे एक केक दे रखा है, उसमें कुछ आपको करना है। जैसे हाउ ओल्ड आर यू, यानी तुम कितने साल के हो। ड्रा द सेम नंबर ऑफ कैंडल्स ऑन द केक एंड कलर इट, जैसे आप 9 साल के हो, यानी पूछा गया कितने साल के हो, 9, तो आपकी इसके अंदर 9 कैंडल्स क्या करनी है, बनानी है। जैसे कितनी बनानी है, 9 बनानी है आपको। आप जितने साल के हो उतनी कैंडल आपको इसमें बनानी है। यानी ये कैंडल आपको जलती हुई दिखानी है, इसे इस तरीके से आपको क्या करना है, इसमें कैंडल्स दिखानी है, 9 पूरी काउंट करके बनानी है आपको। नेक्स्ट है वर्कशीट नंबर 94 कॉम्पिटेंसी यूज दीज और दोज, यानी दीज और दोज का यूज करना है अपने को उचित तरीके से। जो चीज पास में होती है और कई संख्या में ज्यादा होती है, यानी एक से ज्यादा होती है, उसके लिए दीज करते हैं। जो संख्या यानी जो दूर होती है और संख्या में भी एक से ज्यादा होती है, तो उनके लिए दोज का यूज करते हैं। जैसे कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो यूजिंग दीज और दोज, जैसे ये बलून्स यानी पास में दिखाई दे रहे हैं, तो आ जाएगा दीज आर बलून्स, क्या लिखना है, दीज। नेक्स्ट है रैबिट दिखा रहे हैं, रैबिट क्या है, काफी दूर दिखाए गए हैं, तो आपको लिखना है दोज आर रैबिट्स। फिर है स्टार्स, यानी काफी दूर है, तो आ जाएगा दोज आर स्टार्स। बॉटल्स है, बॉटल्स पास में, तो आ जाएगी दीज आर बॉटल्स। फिर है यानी काइट्स दिखाए गए हैं, काफी दूर दिखाई दिख रहे हैं, तो हो जाएगा दोज आर काइट्स। डस्टबिन है पास में है, तो दीज आर डस्टबिन्स। नेक्स्ट है एन अलमीरा दिखाई गई है, तो आपको हो जाएगा दोज आर अलमीराज। फिर है फ्लावर्स दिखाए गए हैं, तो हो जाएगा दोज आर फ्लावर्स। कॉम्स दिखाए गए हैं पास में है, तो दीज आर कॉम्स, यानी जो चीज दूर होती है उसके लिए दोज, जो पास में होती है उसके लिए दीज, लेकिन नंबर में भी क्या होनी चाहिए, संख्या में ज्यादा होनी चाहिए। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।